हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले। दोस्तों, यह प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड है। दोस्तों, हमने प्रेजेंट टेंस का फाइव काइंड्स का चर्चा किया है, लेकिन मेनली फोर काइंड्स ही है और पांचवा जो स्पेशल है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए प्रीवियस सभी वीडियो को देख ले और आज के वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे जिससे कि हम हिंदी सेंटेंस को पहचान सके, कि वो देख कर पहचान सके किस तरह से वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में से ता आ रहा है, से प्लस ता आ रहा है, से प्लस ता आ रहा है, से प्लस ते आ रहे हैं, से प्लस ती आ रही है, से प्लस ते आ रहे हैं, से प्लस ते आ रहे हैं। सेंटेंस के अंत में इस तरह से लगा रहता है, से प्लस ता आ रहा है, से प्लस ते आ रहे हैं, से प्लस ती आ रही है, से प्लस ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको सेंटेंस में अच्छी तरह से समझ पाए। एग्जाम्पल, जैसे मैं दो घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं दो घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं दो घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, या फिर मैं दो घंटे से पढ़ता रहा हूँ, मैं दो घंटे से पढ़ता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, या फिर मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ। यह तीनों सेंटेंस लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि काम शुरू हुआ उस समय से अभी तक चल ही रहा है, यानी अभी भी जारी है। तो इस तरह का जो सेंटेंस रहता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस एक ही है, इस तरह से लिखा जा सकता है, मैं दो घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ। कहने का मतलब कि
जिस समय से पढ़ना शुरू किया उस समय से लेकर अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, यानी काम अभी भी जारी है। मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, सेम उसी तरह मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इसका बन जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। नंबर पर्सन है। इससे पहले भी हमने देखा है कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, हैज लगेगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव लगेगा आई बी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ। तो इस तरह से ये नंबर पर्सन रहा। दोस्तों अब हम यूज ऑफ सिंस फोर के यूज को देखते हैं, कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फोर का यूज होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी तुरंत देखा है सिंस फोर का यूज दिखाई दिया है, स्ट्रक्चर में भी तुरंत देखा है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर। तो अब हमें मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फोर का यूज होगा, तो हम देखते हैं यूज ऑफ सिंस फोर। यूज ऑफ सिंस और फोर। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय का, सिंस से निश्चित समय का बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर निश्चित समय, और फोर का समय अंतराल का बोध होगा, फोर से समय अंतराल का बोध होगा, पीरियड ऑफ टाइम समय अंतराल का बोध। यानी सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय का बोध होता है, और फोर से पीरियड ऑफ टाइम समय अंतराल का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं समझ में आ जाएगा। जैसे सुबह से शाम से दोपहर से 3 बजे से सोमवार से इटीसी। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय का पता चलता है, सुबह से शाम से दोपहर से 3 बजे से सोमवार से या फिर जनवरी से। और यहाँ देखा जाए तो समय अंतराल का, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय का, और यहाँ पर समय अंतराल का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं लंबे समय से देखने से
निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, समय अंतराल का पता चल रहा है, लंबे समय से, कई दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ घंटों से, 5 घंटों से, 8 दिनों से, 5 घंटों से, 8 दिनों से, 8 दिनों से। दोस्तों इस तरह से देखने से समझ आ रहा है या पता चल रहा है कि सिंस का यूज वहां पर होगा जहाँ निश्चित समय का बोध हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हुआ, निश्चित समय का बोध हुआ, और फोर का यूज वहां पर होगा जहां पर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अंतराल का बोध होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव एक सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इसको अगर बनाया जाएगा तो होगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, सिंस फोर प्लस अदर्स। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एक समय अंतराल का बोध हो रहा है, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, फॉर 2 आवर्स, समय अंतराल का बोध हो रहा है इसलिए फॉर 2 आवर्स, अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस लगता। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस है, मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका बन जाएगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर भी समय अंतराल का बोध हो रहा है इसलिए फोर लगा है, 2 वर्षों से यानी समय अंतराल का बोध हो रहा है इसलिए फोर लगा है। तो मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। यह सेंटेंस निगेटिव है और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर, सिंस फोर प्लस अदर्स। अब है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। इसका बनेगा हैव आई, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव,
हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका बनेगा हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर। अब है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल है मैं 2 वर्षों से क्या पढ़ रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से क्या पढ़ रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से क्या पढ़ रहा हूँ। यह डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्योंकि प्रश्न वाला शब्द यहाँ पर बीच में लगा हुआ, क्या जो है यहाँ पर बीच में लगा हुआ डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। मैं 2 वर्षों से क्या पढ़ रहा हूँ। इसको बनाएंगे तो डब्ल्यू एच ग्रुप का यूज करके, इसलिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो बनेगा व्हाट हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। व्हाट हैव आई बीन रीडिंग रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स और स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरा डब्ल्यू एच ग्रुप प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। एक बार और बता दूं, स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच ग्रुप प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। लास्ट है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ रहा। मैं 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा। यह सेंटेंस डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और सेंटेंस निगेटिव भी है। तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मैं 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ रहा। इसका बनेगा वाई हैव आई नॉट बीन वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच ग्रुप प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का
कंप्लीट वीडियो रहा। आशा करते हैं कि दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दे। लाइक करने से होता है कि हमें आपके बीच नए नए वीडियो लाने की साहस मिलती रहती है, हमें लगता है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के स्पेशल काइंड को लेकर मिलते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।